हिसार के मिर्चपुर गांव में मंगलवार रात 9 बजे वाल्मीकि बस्ती में 9 साल बाद फिर से जातीय तनाव पैदा हो गया। मंगलवार को दो पक्षों के बीच झगड़े में विवाद बढ़ गया। इस बार झगड़ा मुर्गा खरीदने की बात को लेकर हुआ है। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में वाल्मीकि बस्ती का तेजभान घायल हो गया। घायल और उसके परिवार के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर डीएसपी जोगिंदर राठी और नारनौंद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायलों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि तेजभान सिविल अस्पताल में डीसी रेट पर हेल्पर का काम करता है। वे ड्यूटी खत्म होने के बाद चिकन कॉर्नर चलाता है। तेजभान ने बताया कि मंगलवार रात ड्यूटी खत्म करके वह गाँव पहुँचा था। घर आने के बाद वह मिर्चपुर से कोतकला रोड पर सुरेंद्र के मुर्गा फार्म पर गया। वहाँ पर सुरेंद्र का पार्टनर सतीश बैठा था, उसके साथ संजय सहित 3-4 अन्य युवक भी बैठे थे। फार्म पर जाते ही वह अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। उसने जब विरोध किया तो सभी ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। वह किसी तरह से बचकर अपनी बस्ती में पहुंचा और परिजनों को आपबीती सुनाई। तेजभान और परिजन अन्य लोगों के साथ पुलिस के पास गए और उनको मामले से अवगत करवाया। पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी। तनाव ज्यादा होने पर पुलिस बल गाँव में पहुँच गया। यहाँ हम आपको यह बता देते हैं कि इससे पहले 21 अप्रैल 2010 को मिर्जापुर गांव में दो पक्षों के बीच बेहिसाब झगड़ा हो गया था। उस दौरान भीड़ ने वाल्मीकि बस्ती में आग लगा दी थी। उस घटना में ताराचंद और उसकी दिव्यांग बेटी सुमन की मौत हो गई थी। उस झगड़े में काफी लोग घायल हुए थे। पुलिस ने उस दौरान मामला दर्ज किया था, जिस पर दिल्ली कोर्ट ने इस मामले में कई लोगों को उम्र कैद सहित 7 साल की सजा सुनाई थी। विवाद के समय मौजूद समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दौरा किया था और यह मामला संसद में भी गूंजा था। उस घटना के बाद आज भी काफी परिवार पलायन कर हिसार शहर में रह रहे हैं। कल रात 8:30 बजे करीब की बात है सर, मैं फार्म पे गया हुआ था, मुर्गे सप्लाई वहाँ काम करता हूँ सर। वहाँ 5-6 लोग थे जी, जो शराब पी रहे थे फार्म पे पहले ही जी। उन्होंने देखते पहले का गाड़ी क्लोज करने लग गए सर, फिर एकदम मेरे पर हमला कर दिया सर। उन्होंने डंडो लाट दिया सर, उसमें बीच बच्चा का मौका देख के सर भाग गया। वहाँ से मैंने घर वाले के पास फ़ोन किया सर, उसके बाद घर वाले आए उनके, उसके बाद फिर अटैक कर दिया दोबारा। फिर गाँव में सुरेंद्र वाले फार्म पे जी कम से 8-10 थे जी। एक गाड़ी बाद में बुलाई थी जी। फिर इनके साथ सबसे सख्त करवाना चाहिए सर। हाँ, मामला दर्ज कर रखे सर। लूटी भी गया सर, लूटी करके यहाँ सिविल में लग रहे हूँ मैं। 8:30 बजे मैं अपने बस स्टैंड पे पहुँचा सर। वहाँ पहले देखते मैंने गाड़ी क्लोज करने लगे सर वहाँ पहले, उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया मेरे को। कहने लगे भाई पहले उन्होंने चले जाओगे, दोबारा आग लगवाओगे गांव में जी। 2017 में जनवरी में रोड आता सर पहले जो उसकी उसको उसमें जो एफ आई आर दर्ज मेरे नाम है सर, वो भी पहले 2-3 बार अटैक कर रखे मेरे पे पहले। तीसरा वाक्य सर की बार में उस कह रही थी सक्सेस कार्रवाई होगी, दो अरेस्ट अनमौके पकड़ लीजिए और बाकी फरार हो गए भाग गए जी। पुलिस के मुआवजा होते हुए दोबारा अटैक करा जी वहाँ पर जी, पुलिस वाले सामने भी आता मार पिटाई हुई जी, जिसमें कुछ पुलिस वाले को भी चोट लगी है जी। मेरा तेजबान जी सुरेश कुमारी सही चार चौकी मिर्चपुर जी। क्या मामला था, क्या हुआ ये? कल शाम को 8:30-9 बजे मेरे को सूचना मिली थी चौकी के अंदर फ़ोन से। वे मतलब एक ये तेजवान और इसके साथ 3-4 बार वो जाट बरादरी के लोगों ने मारपीट कर रखी है बस स्टैंड के पास, वहाँ गिर रखा है। सूचना मिलते ही मैं वहाँ गाड़ी लेकर ना मेरे मुलाजमान के साथ वहाँ पहुँचा, तो कच्चा रास्ता पड़ता वहाँ से जहाँ पोल्ट्री फार्म पर वो अक्सर मुर्गे वगैरह लेने के लिए जाता रहता था। सतीश और सुरेंद्र का पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पहले से यूँ मुर्गे वगैरह लेने के लिए जाता था रहता था, वहाँ गया था यूँ। वहाँ 3-4 शरारती तत्व थे, शराब वगैरह पी रहे थे, उनने इनके साथ मारपीट कर दी। इसने उसकी सूचना अपने फैमिली मेम्बर को दी,
फैमिली मेंबर ने तुरंत मारे को दी। मैं मेरे स्टाफ के सहित वहाँ कच्चा रास्ता पर गया तो उस टाइम इसकी बरादरी के जो 5-10 मोटरसाइकिल वाले थे वो तेज वाहन को सुरक्षित लेके वापस आ रहे थे। और उसके बाद कुछ समय के बाद जो मारपीट हुई थी वो बंदे भी बाद में आ गए। फिर दोनों पक्षों का तनाव हो गया, वहाँ हल्की फुल्की आपस में इनकी चोटें आई। मैंने उन 3 आदमियों को अपनी गाड़ी में बिठा कर ने सुरक्षित ले गया एक साइड में। उसके बाद मैंने तेज वाहन की स्टेटमेंट पर FIR लॉन्च की है। सर तेज वाहन भी मिर्चपुर के रहने वाले? जी जी तेज वाहन। आपसी विवाद या कोई इस तरह की बात? आपसी विवाद मेरे सामने फिलहाल मेरे नोटिस में कोई है नहीं। तेज वाहन की स्टेटमेंट लिखी गई, जो तेज वाहन ने अपनी स्टेटमेंट दी विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आगामी तफ्तीश है, DSP साहब इसके सक्षम अधिकारी हैं। आगामी तफ्तीश जो नियमानुसार होगी उसमें DSP श्री जोगिंदर सिंह राठी नारनौंद वो नियमानुसार करेंगे। मामला दर्ज कर लिया गया, ठीक है ना जी, तफ्तीश जारी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।